बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं प्रावर्ती से। प्रावर्ती में लॉकडाउन के सन्नाटे का फायदा उठाकर एक 25 वर्षीय युवक ने 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी हौस का शिकार बनाया। बच्ची रोती बिलखती रही लेकिन युवक अपनी हौस का शिकार बनाता रहा। उसके बाद बच्ची को छोड़कर मौके से भाग निकला। मासूम बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ये पूरा मामला जनपद श्रावस्ती के थाना कोतवाली भिंडा के परसिया राजा गांव का है, जहां पर लॉकडाउन के चलते गांव में सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। इस सन्नाटे का फायदा उठाकर एक 25 वर्षीय युवक ने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे 25 वर्षीय युवक ने अपने घर के बगल में रह रही एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला फुसला करके गाँव के एक बाहर एक बाग में ले गया, जहां पर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मौके से भाग निकला। बच्ची रोती चिल्लाती हुई किसी तरह अपने घर पहुंची तो परिजनों को पूरा मामला बताया तो वही बच्ची के माता पिता इस घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के अधिकारी पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मौके पर पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे ने मौके का जायजा लिया। कोतवाली भिंडा के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थाने पर तत्काल अभियोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिए गए हैं। मेरे द्वारा इस संबंध में फॉरेंसिक टीम के साथ में जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। लड़की का की स्थिति सामान्य है, साथ ही साथ मौके पर शांति व्यवस्था भी सामान्य है। वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभियुक्त इसमें जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस अध्यक्षा में ले लिया गया है।